आज हम लोग रेंज निकालने का सेकेंड मेथड पढ़ने जा रहे हैं। सेकेंड मेथड है कि हम लोग ऐसा करते हैं कि सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसका डोमेन कैलकुलेट करते हैं। तो मान लो कि y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, तो पहले क्या करो कि एफ एक्स का डोमेन निकाल लो। डोमेन निकालने आता है तुम्हें। नेक्स्ट स्टेप में ऐसा करो कि x को y के टर्म में एक्सप्रेस करो, एक्स को वाई के टर्म में एक्सप्रेस करो और देखो कि वाई के किस वैल्यू के लिए एक्स डिफाइंड है। रेंज वही होगा, ठीक है। हम इसको नोट डाउन कर रहे हैं तब समझ में आएगा। मेथड टू, तो पहले मान लो कि वाई इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, तो पहला काम ये करो कि फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स का डोमेन निकालने आता है तुम्हें, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये करो, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो कि वाई के किस वैल्यू के लिए एक्स डिफाइंड है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई, ठीक है, फॉर विच एक्स इज डिफाइंड। और ये जो वाई क्या वैल्यूज है वही रेंज है, ठीक है। ये जो वैल्यूज ऑफ वाई मिला है वही क्या है, रेंज है, ठीक है। क्योंकि रेंज मतलब वाई के वैल्यू, हाँ, ये हर जगह अप्लीकेबल नहीं होगा, हर क्वेश्चन में अप्लीकेबल होगा ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन इस मेथड से बनेगा। रेंज निकालने के लिए बहुत सारा मेथड पढ़ेंगे और किसी भी मेथड से सारा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो वो घबराना नहीं है, है ना, उसके लिए कुछ घबराना नहीं है। वो प्रैक्टिस से होगा कि हम लोग को कौन सा क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाना है, ठीक है। जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहा तो वहां पे मैनिपुलेशन लगा देंगे, थोड़ा घुमा फिरा के रहा तो इसका यूज कर सकते हैं, इसको छोड़ करके भी बहुत सारा तरीके हैं। लेकिन यही वाला मेथड बोर्ड में यूज करना है, जो मेथड टू है इसी मेथड का यूज होता है बोर्ड में, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स माइनस टू। एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, ठीक है। इसका डोमेन भी बताना है, रेंज भी बताना है। डोमेन क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस टू, ठीक है। रेंज के लिए हम लोग ऐसा करेंगे कि x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स ही वाई होता है, तो हम बोल सकते हैं टू एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स माइनस टू इक्वल टू वाई, ठीक है। तो यहां से मिला टू एक्स प्लस फोर इक्वल टू एक्स वाई माइनस टू वाई, ठीक है। अब x वाले टर्म को एक तरफ ले आओ, तो एक्स वाले सारे टर्म को एक तरफ लेके आए और इसको कॉमन निकाल लें तो टू माइनस वाई होगा, और वाई वाले सारे को दूसरे साइड में लेके चले जाओ, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में मिलेगा माइनस टू वाई माइनस फोर। तो यहां से एक्स का वैल्यू क्या मिला, माइनस टू वाई माइनस फोर अपॉन टू माइनस वाई, ठीक है। अब एक्स वाई के टर्म में एक्सप्रेस हो गया। अब तुम ये बताओ कि एक्स कब डिफाइंड होगा, एक्स वाई के किस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा। तो वाई के सारा वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, ठीक है, बस वाई टू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एक्स इज डिफाइंड फॉर वाई बिलोंग्स टू आर माइनस टू, ठीक है। यही रेंज है, यही रेंज है, ठीक है। तो इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा,
वाई बिलोंग्स टू आर माइनस टू, ठीक है। अच्छा, इसको चाहे तो एक और तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, यूजिंग मैनिपुलेशन, वो समझो कैसे। सेकेंड मेथड, देखो वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, ठीक है। न्यूमरेटर में हम ऐसा ही दिए टू एक्स माइनस टू प्लस एट, और डिनोमिनेटर में जो है उसी के रहने दिए। क्या ऐसा कर सकते हैं देख के बताओ, टू एक्स पहले से है, हाँ सर कर सकते हैं। इधर माइनस फोर प्लस एट, माइनस फोर प्लस एट कितना होगा, फोर होगा, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्या इसको हम अल्टीमेटली ऐसा लिख सकते हैं टू प्लस एट अपॉन एक्स माइनस टू, ठीक है। डोमेन क्लियर कट पता है, डोमेन इसका क्या है, डोमेन इसका क्या है, डोमेन तो यहीं से पता है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस टू, ठीक है। रेंज के लिए हम लोग ग्राफिकल कन्वर्जन का यूज करेंगे, ग्राफिकल कन्वर्जन का यूज करेंगे, ठीक है। देखो हम लोग वन अपॉन एक्स का ग्राफ बनाने जानते हैं, तो ये ग्राफ बना वन अपॉन एक्स का। अगर वन अपॉन एक्स का ग्राफ बना लिए तो क्या हम लोग वन अपॉन एक्स माइनस टू का ग्राफ बना सकते हैं? Yes, बोलो sir. ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे किधर शिफ्ट होगा? अच्छा, चेंज एक्स में है कि ओवरऑल में है? राइट से शिफ्ट हो जाएगा, एक्स में, ठीक है। तो राइट साइड शिफ्ट करेगा कितना यूनिट से, टू यूनिट से, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ बन गया, वन अपॉन एक्स माइनस टू का, ठीक है। अब अगर वन अपॉन एक्स माइनस टू का ग्राफ बन गया तो एट अपॉन एक्स माइनस टू का ग्राफ भी बन जाएगा। तो वन अपॉन एक्स माइनस टू का ग्राफ और एट अपॉन एक्स माइनस टू का ग्राफ दिखेगा एक ही जैसा, हाँ वैल्यूज में चेंजेज होगा, ठीक है। क्योंकि अगर एट से हम मल्टीप्लाई कर दिए तो ग्राफ क्या होता है, अगर एट से मल्टीप्लाई कर दिए तो ग्राफ वाई एक्सिस में स्ट्रेच करेगा, ठीक है। अच्छा, वाई एक्सिस में स्ट्रेच करोगे एट टाइम्स, क्या फर्क पड़ेगा बताओ, तो क्या फर्क पड़ेगा, इस साइड में इन्फिनिटी तक जा ही रहा है, तो इन्फिनिटी को एट टाइम से ये कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या फर्क पड़ेगा। और इधर साइड में जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है, जिधर जीरो की तरफ जा रहा है तो जीरो को एट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो वन अपॉन एक्स माइनस टू का जो ग्राफ है वैसा ही ग्राफ एट अपॉन एक्स माइनस टू का होगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं एट अपॉन एक्स माइनस टू, ठीक है। तो एट अपॉन एक्स माइनस टू का ग्राफ मिल गया, अब इसके साथ प्लस टू ऐड करना है, तो इसके साथ प्लस टू ऐड करें तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, ये वाला ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, ऊपर, ऊपर, कितना यूनिट से, टू यूनिट से, दो यूनिट से, ठीक है, टू यूनिट से। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब ग्राफ देख के तुम बता सकते हो इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये फाइनल एफ एस का ग्राफ बन चुके हैं, ठीक है। बता इसका डोमेन क्या है, आर माइनस टू, आर माइनस टू, और रेंज क्या होगा, वो भी आर माइनस टू, आर माइनस टू, ठीक है। और ग्राफ भी बना लिए हम लोग, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि इस मेथड से हम लोग ग्राफ भी बना लिए, ठीक है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे, इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे कि एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, ठीक है, मतलब न्यूमरेटर में लीनियर टर्म है, डिनोमिनेटर में भी लीनियर टर्म है, ठीक है। इसका तुम ग्राफ बना सकते हो और डोमेन और रेंज भी बता सकते हो, ठीक है। इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन होगा आर माइनस डी बाई सी, माइनस डी बाई सी, आर माइनस माइनस डी बाई सी, क्योंकि डोमेन होने के लिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और रेंज आफ्टर मैनिपुलेशन मिलेगा आर माइनस
ए बाई सी रेंज मिलेगा आफ्टर मैनिपुलेशन आर माइनस ए बाई सी। ए एक्स का कॉफिशियंट है, सी भी एक्स का कॉफिशियंट है, ठीक है। तो रेंज होगा आर माइनस ए बाई सी। जैसे पिछला क्वेश्चन देखो, पिछला क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, इसका फॉर्म है ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो डोमेन निकालने के लिए तो कोई हेडेक नहीं है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं हुआ तो डोमेन क्या होगा, आर माइनस टू। और रेंज के लिए अभी क्या बताएं, आर माइनस ए बाई सी, ए कितना है टू, सी कितना है वन, ठीक है। तो टू बाई वन कितना मिला, टू मिला। तो इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, आर माइनस टू होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अगर तुमसे इसका डोमेन पूछा जाए तो इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा, ठीक है। वन प्लस एक्स स्क्वायर कहीं पे भी जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा। अब इसका रेंज बताते हैं, ठीक है। रेंज बताने के लिए इसको y के टर्म एक्सप्रेस करो, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है। अब सारा x को एक तरफ ले आओ, तो x का वैल्यू मिलेगा अंडर रूट वाई अपॉन वन माइनस वाई, और प्लस माइनस होगा, ठीक है। अब अगर x डिफाइन होना है, अगर x डिफाइन होना है, ठीक है, तो उसके लिए रूट के अंदर जो भी चीज होता है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में जो चीज है उसको नंबर लाइन से सॉल्व कर लेते हैं। नंबर लाइन पे क्या क्या होगा, तो जीरो होगा, वन होगा, लेकिन वन अलाउड नहीं है, वन यहां से अलाउड नहीं है, ठीक है, वन यहां से अलाउड नहीं है। वन से बड़ा कोई भी नंबर लें तो नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या मिलेगा, वाई बिलोंग्स टू जीरो क्लोज टू वन ओपन, वाई बिलोंग्स टू जीरो क्लोज टू वन ओपन, ठीक है। तो वाई का जो वैल्यू होता है वही रेंज होता है, तो इसका रेंज क्या हो गया, इसका रेंज मिला y बिलोंग्स टू जीरो क्लोज टू वन ओपन। हाँ, लकली इसको हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो समझे। y है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो y इक्वल टू अल्टीमेटली ऐसा ले सकते हैं वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक लाइक करेगा, यहां पे पता है डोमेन से, एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक लाइक करेगा, ऑल रियल नंबर, ठीक है। अगर एक्स ऑल रियल नंबर है तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक लाइक करेगा, जीरो से इंफिनिटी तक। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कहां से कहां तक लाइक करेगा, तो वन क्लोज से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कहां से कहां तक लाइक करेगा, सुजीत बताइए। जीरो से वन, जीरो से वन, जीरो पे ओपन और वन पे क्लोज, ठीक है, जीरो पे ओपन वन पे क्लोज। तो माइनस वन अपॉन वन प्लस स्क्वायर का वैल्यू कहां से कहां तक लाइक करेगा, तो माइनस वन से जीरो, माइनस वन पे क्लोज, जीरो पे ओपन, और लास्ट में वन माइनस वन अपॉन स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो वन ऐड कर देंगे, तो वन माइनस वन जीरो, और वन प्लस जीरो वन, तो जीरो क्लोज से वन ओपन तक, ठीक है। और इधर क्या था, इधर भी वही था, जीरो क्लोज से वन ओपन तक।